उपमंडल सलोनी के भांदल में चल रही 24वीं खंड स्तरीय 12 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष डीएस ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता व उपविजेता रहे जोन के बच्चों को पुरस्कार बांटे। समारोह में शिरकत करने पर पीटीएफ पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। हिमाचल तेज खबर के लिए दिनेश राम। मैडम वाइदा जी, जो हमारा ये शिक्षा खंड सोनी है, इसने अपना लोहा चंबा में ही नहीं हिमाचल में मनवाया है। गत वर्ष हम शिक्षा खंड सोनी में वॉलीबॉल में पहली बार पहला स्थान, तो मंच के सामने से गुजरते हुए मुख्य अतिथि से आशीर्वाद लेते हुए हमारे सलोनी ब्लॉक के बच्चे और ये खंड सलोनी के बच्चे और अंत में जो है होस्ट ब्लॉक किहार ब्लॉक के बच्चे। सलोनी ब्लॉक के सलोनी जोन के बच्चे रनर अप ट्रॉफी लेते हुए तारों में अकेला चांद डगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत दोस्तों, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो ये थे हमारे पीटीएफ की कार्यकारिणी, जिन्होंने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। अब जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं वो तैयार रहे, तो मैं मुख्य अतिथि महोदय से एक बार फिर निवेदन कि आपने इतनी मेहनत से बच्चों को तैयारी करवाई है और बच्चे जो हैं इतने उत्साह में हैं, मैं एक बार तहे दिल से आपका स्वागतम अभिनंदन करता हूँ। आज थोड़ा दुख की बात भी है कि हमारा यहाँ इसी पंचायत के साथ एक नौजवान युवक की मौत हुई है मीरपुर में। वो कैसे हुई है इसकी जांच पड़ताल पूरी होगी, और अगर ऐसा हुआ कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। बड़ा खेद हुआ कि नौजवान साथी की आज मृत्यु हुई है, उनका भी आज अंतिम संस्कार आज ही होगा। मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए भी परमात्मा से अरदास करता हूँ कि उनके परिवार को हौसला मिले, भगवान उनके ऊपर आशीर्वाद परिवार के ऊपर बनाए रखें। इसी के साथ आज के इस समापन समारोह में मैं अपनी ओर से अपने इस टूर्नामेंट के सहयोग के लिए 11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।